आप जरा इनके कलर्स चेक करें, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच लाइबा, ये मेरे पास नहीं थी, पता नहीं तुम्हें कैसे पता था, बट आई लव इट, थैंक यू सो मच। बल्कि इनमें से एक मैंने अप्लाई भी किया, बट मेरा अभी खुलिया ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये रही थी ये कलर्स, और साथ साथ जब मैं अप्लाई करूँगी तो वो तब भी आपको दिखा दिया करूँगी, बट ये रही कलर और बहुत प्यारे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये थी कि इनके साथ ये शॉर्पनर्स बने हुए हैं। लाइक मेरे पास पेंसिल्स एक दो थी, बट शॉप नहीं होती थी या इस तरह ऐसे ही शॉर्पनर नहीं था, तो बस पहले ढूंढो फिर करूँ फिर ढूंढो, तो ये बेस्ट है। और ये प्यारा सा कुर्ता भी उसने साथ भेजा है मुझे, लाइम लाइट का, बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो 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 मच। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। यस, हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं जी। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, आपको दिखाया था कि हम नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद फिर मैंने शावर वगैरह लिया, और आज मैंने हेयर मास्क लगाया था तो हेयर थोड़ी बेटर लग रही है, थोड़ी सी बेटर, बट अब केयर करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी बेटर हो जाएंगी। काफ़ी अर्से से केयर करने छोड़ी हुई है, लाइक ऑयलिंग का भी टाइम नहीं मिलता लेटरली। तो अभी जी टाइम हुआ है 5:45 होगा आई गेस। तो अभी मैंने कर लिया आयरन कपड़े, और आज है जी मेरी रात की ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो हमने उधर जाना है और आप भी साथ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नूर और मेरा जा रहे हैं, बाबा को ऑफिस में कोई काम आ गया तो वो नहीं जा रहे, तो फाइनली हम जाएंगे, क्या हो सकता है। सो मेरा तो जाएगी यूनिफॉर्म में, और बाकी मैं और नूर रेडी होंगे। तो चलिए साथ साथ आपको दिखाते हैं। बस मैंने कहा कि मैं इंट्रो शूट कर लूँ इससे पहले कि मैं मे भी इंट्रो करना शूट करना भूल ही जाऊँ। ओपन करें। अल्लाह अच्छी तो लग रही है। हाँ भाई तो अच्छी। की तैयारी हो रही है। मैम को भेजोगी? नो। और अभी करें जी हम आइसिंग, मेकअप से पहले थोड़ी सी आइसिंग ज़रूरी है। डिनर तो बनता है भाई, आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो डिनर तो बनता है, तो चलिए जी। और यहाँ पे मैं इनको जी भिगो के अब सोने की तैयारी करूँगी, रात को मैंने अपने ड्राई ट्रेन से सुबह, तो चलिए जी इनको भिगोते हैं और मिलते हैं सुबह। आज का दिन
काफ़ी टाइम बाद आज तो मैं ऑमलेट चलेगा। नूडल्स कैसे बने हैं? और यहाँ पे मैं खा रही थी जी समोसा चाट। हाँ, और अभी आज हम बनाएंगे करेले। और चलिए जी जल्दी से करेले बना लेते हैं, सालन बना के फ्री हो जाते हैं। और ये है जी मेरी न्यू मैकबुक। सो फाइनली ये मिल गया मुझे। मेरे लैपटॉप को चोरी हुए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, तो फाइनली ये मुझे मिली है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती थी व्लॉग को अपलोड वगैरह करने के लिए। लैपटॉप की ज़रूरत होती थी तो कभी मैं सिस्टर का यूज़ करती थी, कभी मैं अपने फ्रेंड्स को कहती थी। सो फाइनली आज मिल गया। अभी मुझे ये यूज़ करना नहीं आता क्योंकि मेरे पास एक सादा सा लैपटॉप था, बट देखें सीखते हैं फिर करते हैं इंशाल्लाह, फिर यहीं से अपलोड होगा सब कुछ। देखिए अब हम किस दिन तक चलाते हैं इसको। वैसे कोशिश तो है कि इधर साइकिल क्या चलेगी या इधर वॉक क्या होगी जी, इसकी हवा ही नहीं है। अब हमें ये रोलना पड़ गया है, इसकी है साइकिल की नहीं है। हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं, अब इसको सुबह फिर शॉप पर लेके जाना पड़ेगा। ब्लॉग मेरा वहीं पे रुक गया था, उसकी कुछ वजूहत थे जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस ब्लॉग को मैं एंड कर दूं और मैं अपलोड कर दूं। जो कि मेरे मामू की तबीयत ख़राब थी तो बस जहां तक ब्लॉग मैंने शूट किया वहीं पे एंड हो गया। तबीयत उनकी बहुत सब ख़राब है तो हमें याद रखिएगा। और बस इस वजह से फिर दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं आगे कुछ शूट करूं, ऐसे कुछ था भी नहीं। हॉस्पिटल और फिर घर और फिर गांव का एक विज़िट हुआ मेरा, तो ऐसा जो और कुछ था नहीं जो मैं शूट करके डाल सकूं, बट उसको एंड करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे आप लोगों को बता दूं कि दुआओं में याद रखिएगा, उनके लिए खसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना लंबा है छोटा है कोई समझ नहीं है मुझे, बट मैं आज एडिट करने बैठूंगी तो समझ आएगी पता चलेगा। चलें मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू।